हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी थी कि कैसे प्लैंक ने आपके लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया था, ठीक है ना। और उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब आपकी कोई स्पेसिफिक मेटल के ऊपर किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ की जब आपको फोटोन इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं बाहर, जिन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उससे सर्किट में करंट फ्लो होता है जिसे हम बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। वो हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने देखा था EI इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी वर्क फंक्शन प्लस KE मैक्स के इक्वल। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है आपका जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है। और जो बची हुई एनर्जी रहेगी जिसे इलेक्ट्रॉन लेके मूव करेगा उसे हम कहते थे KE मैक्स, ठीक है। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, EI आपकी इंसिडेंट एनर्जी दैट इज इक्वल टू 5 प्लस KE मैक्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के दिया था। आई होप ये आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। अगर हुआ है तो अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ है तो हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? द वेवलेंथ टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर, मतलब इसने लेमडा नोट आपको दी हुई है 200 नैनोमीटर। यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई क्या होगा आपका? HC अपॉन लेमडा नोट, दैट इज इक्वल टू HC अपॉन 200, ठीक है। नैनोमीटर में है तो हम नैनोमीटर में ही डील करेंगे, ठीक है। अब आके देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 120 nm। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेटल है उसकी सरफेस पर अगर 120 nm की आपकी कोई वेवलेंथ गिर रही है, उससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो उसकी KE आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है आपकी KE, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक दूसरा वेवलेंथ उस पर ऊपर गिर रही है, ठीक है, जिसकी दूसरा फोटोन उस पर गिर रहा है जिसकी वेवलेंथ क्या है? लेमडा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ हाफ द काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी क्या होनी चाहिए? आपकी एनर्जी जो होनी चाहिए KE बाई 2 होनी चाहिए, ठीक है। हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द रेडिएशन, दिस रेडिएशन से आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है? KE। तो किस वेवलेंथ पे आपकी KE क्या हो? KE बाई 2 हो, ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो आपको इसमें दो रिलेशन निकालने थे, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए, और दोनों को इक्वेट करके आपको आंसर सोल्व करना था, ठीक है। अगर हम इसके लिए बारे में बात करें, ठीक है, तो आपके पास EI क्या होगा? HC अपॉन लेमडा। लेमडा कितना है? 120 nm, ठीक है। तो 120 इज इक्वल टू 5, वर्क फंक्शन हमें नहीं पता है कितना है तो हमने मान लिया 5 है, ठीक है, प्लस KE मैक्स। तो जो इसकी KE है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है? KE है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनेगी आपकी HC अपॉन इस सेकेंड वेवलेंथ के लिए, इसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है तो हमने लेमडा लिख दिया। वर्क फंक्शन जो होता है मेटल का फिक्स होता है, ठीक है, तो 5 ही रहेगा, प्लस KE, यहाँ पे KE कितनी है? KE बाई 2 है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अपने को लेमडा निकालना है, अपने पास वेरिएबल कितने हैं? 5 और KE, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, ठीक है, और तीन वेरिएबल है वैसे। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, KE बचेगा और लेमडा बचेगा, फिर भी दो वेरिएबल बचेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 5 की वैल्यू, ये 5 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, KE की वैल्यू निकाल सकते हैं और KE की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 के लिए, HC अपॉन 200, HC बाई 120, दैट इज इक्वल टू 5 की वैल्यू क्या है आपकी? HC बाई 200, ठीक है, प्लस KE, दैट इज KE। यहाँ से आप KE की वैल्यू आप निकालते हो
तो के की वैल्यू आती है एच सी, ब्रैकेट में एच सी हमने कॉमन ले लिया 120 माइनस 200, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है के की। अब इस के की वैल्यू को आप पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा दैट विल बी इक्वल टू फाइव, फाइव क्या होगा आपका एच सी बाई 200, एच सी बाई 200 प्लस के ई बाई 2, 1/2 इंटू के ई, के ई की वैल्यू क्या है आपके एच सी इंटू 1/120 माइनस 1/200, ठीक है। अब देखिए एच सी एच सी एच सी तीनों से एच सी कैंसल, 1/लेमडा दैट विल बी इक्वल टू 1/200 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/240 माइनस 1/2 इंटू 200, ठीक है, 1/लेमडा दैट विल बी इक्वल टू, ये 1/200 है, ये 1/2 इंटू 200 है, तो 1 से हाफ जाएगा, कितना बचेगा हाफ, तो 1/200 टू इंटू 200, या फिर आप इसको ऐसे सोल्व कीजिए 1/2 को 200 हमने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो इसमें से बचा आपका 1 माइनस 1/2 प्लस 1/240, ठीक है ना, आपको कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, 1/200 इंटू ये कितना हुआ 1 में से हाफ गया तो 1/2, ठीक है, प्लस 1/240 दैट विल बी इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 1/400 प्लस 1/200, लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसका एलसीएम लेंगे अगर हम, और मैं इजी करूँ तो 1/लेमडा इज इक्वल टू 400 इंटू 200 240 दैट विल बी इक्वल टू 240 प्लस 400, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, यहीं कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, लेमडा इज इक्वल टू 400 इंटू 240 डिवाइड बाई 640, ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल, 8 3 जा 24, 8 से जाएगा 50 टाइम्स, सो 50 इंटू 3 मीन्स 150 नैनोमीटर, क्योंकि अपने को नैनोमीटर में ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो ये जो वेवलेंथ आई आपके पास ये कितनी आई, 150 नैनोमीटर, मतलब अगर आप 120 nm की का फोटोन इस मेटल के ऊपर इंसिडेंट करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के ही है, तो आपको दूसरा फोटोन 150 nm का आपको इंसिडेंट करना पड़ेगा, तब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी की कितनी होगी, हाफ होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है ना, हो सकता है लेंदी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है ना, हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती है, देखिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं कंडीशन कि आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए। देखिए कंडीशंस टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंडीशंस टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए सभी मेटल्स जो होती है सभी फोटॉन्स आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तभी आपकी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा था ये आपकी मेटल थी इसके ऊपर आपका फोटोन गिर रहा था, ठीक है, अगर इसकी जो एनर्जी है ई आई जो भी है वो अगर सफिशियंट है मतलब 5 से ज़्यादा है तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, लेकिन अगर ये जो एनर्जी है ये इस वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा बाहर, मतलब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन ई आई इज लेस देन 5, ई आई इज लेस देन 5 मतलब आपकी ई आई अगर लेस देन है 5 से
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। व्हेन ई आई इज लेस देन 5 देन देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम मेटल। ठीक है, किसी भी मेटल की सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ई आई लेस देन 5 है, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तभी निकलेगा जब आपकी ई आई की वैल्यू या तो 5 के इक्वल हो या 5 से ज़्यादा हो। तो हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल शो ओनली व्हेन ई आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ई आई की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 5, तभी आपका ये फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब देखिए ई मीन्स क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, और 5 क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो होगा जब आपका ई मतलब न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, न्यू नॉट के हो। ठीक है ना, तो ये कंडीशन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और फाइव इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, वो आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि आपको इंसिडेंट एनर्जी दी हुई है किसी मेटल की ई आई, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी दी हुई है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आपको बोला गया है कि जो आपकी मेटल सरफेस है उसके ऊपर एक वेव गिरती है, आपकी फोटोन गिरता है, जिसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, ये आपकी 300 नैनोमीटर है। कितनी है, 300 नैनोमीटर है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, उसके लिए के ई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कंडीशन चेक करनी है कि ये जो फोटोन गिर रहा है वो सफिशियंट है या नहीं है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। अगर 5 की वैल्यू मान लो ज़्यादा है, 5 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 की वैल्यू, ई आई की जगह अगर मैं बोलूँ 5 की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जो आपका फोटोन गिर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करोगे, ई आई क्या होगा आपका, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, अपने को पता है 1240 वो आता है नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में, ठीक, नैनोमीटर में। ठीक है, ईवी नैनोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा कितना है, 300 नैनोमीटर। तो यहाँ से आपके ईआई की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, अराउंड 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी है वो कितनी, केवल 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि आपको जो मेटल है उसका जो 5 है वर्क फंक्शन, वो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही सी, अगर उससे कम एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो आप के ई मैक्स की बात कर रहे हो, तो के ई मैक्स क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है, तो के ई मैक्स कहाँ से आएगा। ठीक है ना, इसलिए अपने को पहले ये कंडीशन चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस केस में निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, निकलेगा नहीं तो उसकी एनर्जी भी कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, अच्छा, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार। ओके, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो। कुछ मेटल्स दी हुई है आपको
और उनके वर्क फंक्शंस दिए हुए, उनकी वैल्यू दी हुई आपको, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको मेटल्स के नंबर बताने हैं कि इनमें से कौन कौन सी मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगी, ठीक है। व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल, जब आपके किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर 300 नैनोमीटर की जो फोटोन है वो इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि कौन कौन सी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसमें कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, कि इंसिडेंट, ये तो वर्क फंक्शन, ये तो क्या है, मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए, तभी अगर इतनी होगी तभी आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इससे कम हुई तब आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। आप पोज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब हम बात करें, हमें पता करना पड़ेगा कि इंसिडेंट एनर्जी, जो एनर्जी आ रही है फोटोन की, वो कितनी है, ठीक है, तभी हम पता कर सकते हैं कि अगर वो इंसिडेंट एनर्जी इससे कम है तब तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बिल्कुल सही है। तो हमें ई आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ई आई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, एच सी अपॉन लेमडा, दैट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाई 300 नैनोमीटर। तो यहाँ से आपके पास ई आई की जो वैल्यू आती है, ये आती है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो आपके पास इंसिडेंट लाइट आ रही, इंसिडेंट फोटोन हो रहा है, उसकी जो एनर्जी वो कितनी है, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जिस मेटल का वर्क फंक्शन इससे कम होगा केवल उसी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर किसी का वर्क फंक्शन इससे ज़्यादा है, मतलब जिसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, तो उसमें से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। चेक करें 2.4 बिल्कुल निकलेगा, क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन कम है और अपनी जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा, इससे भी निकलेगा, इससे बिल्कुल निकलेगा, इससे बिल्कुल निकलेगा, 4.8 से निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट लाइट क्या है आपकी, उसकी एनर्जी 4.13 है और अपने को कितनी चाहिए, मिनिमम 4.8, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, नहीं निकलेगा, इससे भी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कितनी मेटल से, 1, 2, 3, 4 इंटीजर टाइप का आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि कितनी मेटल्स है, जैसे 1 to 9 में आपको आंसर देना था कि कितनी मेटल्स है जिसमें से जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगी, तो आंसर क्या होगा आपका, 4, 1, 2, 3, 4, चार मेटल ही ऐसी है जिनमें से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ते हैं, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखिए तो आप ना, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए ये होता क्या है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, ठीक है ना, उसमें हमने क्या किया था, वो आपका तो इलेक्ट्रोड लिए थे, ठीक है, ये आपका कैथोड टर्मिनल था नेगेटिव, ये आपका एनोड, ये तो क्या है आपका एनोड था, और ये क्या था आपका कैथोड था, और आपके यहाँ पे कोई वेव फोटोन आके गिर रहा था जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था, ठीक है ना, और जो ये इलेक्ट्रॉन हो रहा था ये के ई मैक्स से आपके मूव कर रहा था, ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के ई मैक्स के इक्वल नहीं होती है, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू के ई मैक्स के इक्वल होती है, तो वो अपनी ही पोटेंशियल, अपनी ही काइनेटिक एनर्जी से कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी के ई मैक्स से कम होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ तक आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए वो ख़त्म नहीं हो, मतलब वो कंप्लीट एनोड तक पहुँचे, इसलिए हम लगाते हैं बैटरी को, ताकि ये बैटरी के पोटेंशियल के थ्रू आपके कैथोड से एनोड तक पहुँच सके, ठीक है ना,
अब देखिए, बैटरी का यहाँ एक फंक्शन तो और होता है, ठीक है। अगर हम इस बैटरी को उल्टा कर दें, क्या करें, हम इस बैटरी को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, अब जब आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका जो होगा एनोड, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकलेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया है बैटरी के थ्रू। तो अब हम बैटरी के वोल्टेज को चेंज करके हम कितने इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड की तरफ हमें पहुँचाना है, उस पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हम कंट्रोल में कर सकते हैं कि हमें इतने ही इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए, ठीक है ना। वो हम किसके जरिए करते हैं, आपके यहाँ जो एक बैटरी लगी हुई है जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो वी नॉट है, ठीक है ना, तो उस वैल्यू के जरिए, इस बैटरी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। यही हमारा पोटेंशियल होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के, मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करवाना है, ठीक है ना, मतलब ये आपका जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है ना, वही होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। ये रिवर्स कंडीशन में लगाया जाता है आपका, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ में मूव कर रहा है तो आप इस तरफ आपका पोटेंशियल लगाओगे, ठीक है ना, बैटरी तो क्या होगी, वो रिवर्स फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है ना। कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर आपको रोकना है तो आपको उसके अगेंस्ट या रिवर्स में कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप कंट्रोल कर सको, ठीक है ना। इसे ही हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन, अगर हम लिखना चाहें इसकी थ्योरी, व्हेन ए रिवर्स वोल्टेज, व्हेन ए रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन ए रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू, व्हेन ए रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू फोटोसेल और फोटो इलेक्ट्रॉन, व्हेन ए रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस वी कैन कंट्रोल और स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन, या तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। दैट रिवर्स वोल्टेज इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कितना पोटेंशियल लगा के आप इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहे हो, ठीक है ना, तो वही होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। डेफिनेशन पे मत जाना आप, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, कि कितना वोल्टेज हम अप्लाई करें कि आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ उसको हम कंट्रोल कर सकें या स्टॉप कर सकें, ठीक है ना। अब यहाँ से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, देखिए अगर हमने सबसे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है अगर उसे स्टॉप कर दिया अपने पोटेंशियल लगा के, तो हम उससे कम वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने 50 किलो का वेट उठा लिया, ठीक है, तो इसका मतलब मैं उससे नीचे वाले 40 किलो 30 किलो उनको तो उठा ही सकता हूँ, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रोकना है, ताकि उससे जो पहले कम एनर्जी वाले होंगे वो तो अपने आप रुक ही जाएंगे, ठीक है ना। एक तो ये चीज़, दूसरी आपके जो जितने भी जब हम इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करेंगे तो स्टार्टिंग में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के ही मैक्स रहेगी, और एंड में जो इसकी इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी में चेंज है, इसको रोकने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इस बैटरी ने कुछ वर्क किया है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी दी हुई है, जो के ई मैक्स है, एनर्जी में चेंज है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज, वो किसके इक्वल है, आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसके द्वारा जो वर्क किया गया है बैटरी के द्वारा उसके इक्वल है, ठीक है ना। तो एनर्जी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू
वर्क डन बाय बैटरी, कि बैटरी ने आपका क्या वर्क डन किया। अब एनर्जी चेंज क्या होगा, इनिशियल थी के ई मैक्स और फाइनल हो गए जीरो, ठीक है ना। तो आपके के ई मैक्स, ठीक है, के ई मैक्स ये किसके इक्वल होगी, इस बैटरी के द्वारा वर्क किए हुए, और वर्क होता है आपका क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू इसका वोल्टेज, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ई, इंटू वी, वी कितना है आपका वी नोट, ठीक है ना। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था कि आपका ई आई, ई आई इक्वल टू क्या होता है, फाइव प्लस के ई मैक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम के ई मैक्स को सब्स्टिट्यूट करें आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल से, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ई आई इक्वल टू फाइव प्लस ई बी नोट, ठीक है ना। तो यही है आपका मेन फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके लिए। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है वी नोट, तो आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन को या इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, आपको जो एनर्जी की वैल्यू लेनी है, जो यूनिट, वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी है। किस में लेनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उससे क्या होगा, ये भी ई वी में आएगा, फाइव भी ई वी में आएगा, और ये आपका ई इंटू वी नोट है। तो ई जो है तीनों टर्म में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो आपके लिए ईजी रहेगी। अगर जूल में दी हुई है तो आप जूल से किस में कन्वर्ट करोगे, ईवी में, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, मतलब तीनों टर्म से आपका ई कैंसिल हो जाए, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात ई की वैल्यू क्या होती है आपकी, एच न्यू, फाई की वैल्यू होती है आपकी एच न्यू नोट प्लस ईवी नोट, ठीक है। यहाँ से अगर हम वी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वो आता है आपका एच न्यू डिवाइड बाई ई माइनस एच न्यू नोट डिवाइड बाई ई, ठीक है, ये वैल्यू आती है। अब अगर हम वी नोट और म्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा होता है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको ग्राफ का नेचर बता देता हूँ, ओके। देखिए, अब अगर हम बात करें ग्राफ की, ग्राफ लास्ट टर्म, लास्ट में, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आपके वी नोट, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के बीच में, जो इंसिडेंट लाइट है आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ कैसा बनता है हमारा, ये ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाला, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी मतलब स्लोप तो क्या होगी, पॉजिटिव, और सी मतलब इंटरसेप्ट, वो क्या है, नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप का आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सी इंटरसेप्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये आपका होगा एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई के इक्वल। यहाँ पे जो स्लोप आएगी आपकी, स्लोप ये किसके इक्वल आएगी, आपके एम, एम की वैल्यू क्या है, एच बाई ई। लास्ट में भी हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो प्लॉट किया था आपका के ई, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो ग्राफ आपका कैसा आया था, इस टाइप का, यहाँ पे जो था आपका इंटरसेप्ट वो था आपका एच न्यू नोट, ठीक है, और यहाँ पे जो, ठीक है ना, आपके स्लोप था वो किसके इक्वल था, आपका एच के इक्वल था। तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ से भी पूछ लिए जाते हैं। आपको ग्राफ किसके बीच में दिया हो, के ई और न्यू के बीच में, इंसिडेंट एनर्जी की जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उसके बीच में दिया है, तो स्लोप की वैल्यू होगी एच, इंटरसेप्ट होगा एच न्यू नोट। लेकिन आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है, तो उसका स्लोप होगा एच बाई ई, और जो आपका इंटरसेप्ट होगा ये होगा आपका एच न्यू नोट डिवाइड बाई ई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर छोटा सा, ताकि आपकी क्या हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको कहता है, लाइट
ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, ऑन ए मेटल सरफेस एंड मेटल सरफेस विथ फाई इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको फाई कितना दिया हुआ है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कैलकुलेट दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, किया ट्राई? देखिए, आपको वेवलेंथ दी हुई है 400 नैनोमीटर की, एक इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे, तो सबसे पहले तो उसकी एनर्जी निकाल लीजिए, ई आई। ई आई का हमारे पास फॉर्मूला था, ई आई इज इक्वल टू 5 प्लस क्या था आपका, ई वी नोट। ठीक है, ई आई सबसे पहले निकालिए, ई आई क्या होगा आपका, एच न्यू डिवाइड बाई लेमडा। एच न्यू होगा आपका 1240, क्योंकि वो आपके किस में है, नैनोमीटर में। ठीक है, डिवाइड बाई 400, यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 3. ठीक है ना, एक से एक जीरो कैंसिल, 120 डिवाइड बाई 4 40, तो 40 से जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी आपके, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर। ये तो अपने पास ई आई की वैल्यू आएगी, फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई कितना आपका, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आप ईवी की, ईवी नोट निकालो, कितना आएगा, ई आई माइनस फाई, ये कितना आएगा आपका, 3.1 माइनस 2.3, 3.1 ईवी माइनस 2.3 ईवी, आपका ई से ई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके वी नोट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, ईजी रहता है, कोई इसमें हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है, के ई मैक्स की जगह ई वी नोट निकालना है और आपको एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी है। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ते हैं, छोटे छोटे एक दो टर्म्स हैं। ठीक है ना, वो देख लेते हैं वो क्या होते हैं। एक है आपका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है देखिए, इंटेंसिटी इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी की अगर बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो इंटेंसिटी होती है आपकी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम इंटेंसिटी की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है ना, इंटेंसिटी इज द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब मान लो ये आपके पास एक मेटल है। ठीक है, इस पर आपको एन फोटोन्स आपके गिर रहे हैं, कितने, एन फोटोन्स। ठीक है, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, एन इंटू एच न्यू। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी आपको न्यू है। ठीक है, डिवाइड बाई ए इंटू टी। ठीक है, तो आई का यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, एन एच न्यू डिवाइड बाई ए इंटू टी, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं आपकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो नंबर ऑफ फोटोन्स के ऊपर और एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को हमेशा सेम रखते हैं, हम किसको चेंज करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कीपिंग फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा,
एन के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाते जाओगे, जैसे यहाँ पे 100 फोटोन पहले गिरे तो इंटेंसिटी कुछ और होगी, 200 फोटोन्स गिरे तो आपकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की है, ठीक है, मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, नंबर ऑफ फोटोन्स के, ठीक है। एक तो ये वो होगी आपकी टर्म, ठीक है। एक और टर्म हम देख लेते हैं छोटी छोटी, एक टर्म है आपकी फोटो करंट, क्या है आपकी फोटो करंट, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अगर फोटो करंट आई की बात करें तो आई क्या होगी आपकी क्यू बाई टी, मतलब कितना उस पर चार्ज है डिवाइड बाई टाइम, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ लोगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, मतलब फोटो करंट जो होता है चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब जैसे आपकी ये मेटल, इसके ऊपर आपकी न्यू फ्रिक्वेंसी का कोई फोटोन्स गिर रहा है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गिरता है, एक फोटोन आपका स्ट्राइक करता है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है बाहर, ठीक है। अगर एन फोटोन्स स्ट्राइक करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एन ई, ठीक है, कितने निकलेंगे एन, ठीक है। तो उनके ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई, तो एन पे कितना चार्ज होगा, एन इंटू ई, तो आई इज इक्वल टू आपके पास हो गया एन इंटू ई डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं, ये भी एक आपका फॉर्मूला भी हो गया, मतलब ये एन बाई टी क्या है आपका, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, मतलब आपकी जो फोटो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने फोटोन्स गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम में उस मेटल के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है एन बाई टी, ठीक, आपका फोटो करंट, ठीक है। तो ये दो छोटी छोटी टर्म्स थी। अब हम पढ़ते हैं आपकी जो इंटेंसिटी है, ये इसका काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो फोटो जो करंट है, उन तीनों के ऊपर क्या क्या डिपेंडेंस होती है इंटेंसिटी की, वो हम देखते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, किसमें, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका फोटो करंट, तीनों का कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ, ठीक है ना, उनमें क्या क्या वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड आपका फोटो करंट, इनमें क्या क्या वेरिएशन होता है, ठीक है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, के ई मैक्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, केवल और केवल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला था, तो काइनेटिक के ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, केवल और केवल इंसिडेंट जो एनर्जी आपकी फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी के ऊपर अभी हम देखते हैं, पहले हम किसके लिए लिख सकते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हम लिख सकते हैं बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके ग्राफ भी प्लॉट किए थे, आई होप आप लोगों को याद होंगे। अगर हम के ई का ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आता है आपका, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना, कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा आपका, ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जिसकी स्लोप क्या होती है आपके, एच के इक्वल होती है, ठीक है। और ऐसा ही ग्राफ हमने देखा था किसके लिए, इंटेंसिटी, आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं
तो सेम टू सेम आपका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, एच बाई ई के, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा। सेकंड होती है, अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता नहीं करता। तो अगर हम देखें जैसे ये आपकी मेटल प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर इसका कोई फाई वर्क फंक्शन है आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमने एक फोटोन इंसिडेंट किया, ठीक है, जिसकी एनर्जी थी आपकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। हम क्या करें, 5 कर देते हैं इसको, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा केई मैक्स से। केई मैक्स क्या होगा, 5 माइनस 3, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा आपका केई मैक्स, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मान लो इस पर हमने एक फोटोन गिराया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो आपका केई मैक्स आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमने क्या किया, एक फोटोन और बढ़ा दिया। अभी लास्ट में हमने देखा था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन था, अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाते हो तो आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, ठीक है। हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, एक की जगह एक और हमने फोटोन डाल दिया इस पर, ठीक है। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, किस एनर्जी से, किस काइनेटिक एनर्जी से, वही 5 माइनस 3, कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को और डाल दिया, इंसिडेंट कर दिया, दोबारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है के ई मैक्स है, वो क्या आपकी इंसिडेंट एनर्जी मतलब इंटेंसिटी उसके ऊपर डिपेंड करी, इंसिडेंट एनर्जी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, आप नंबर ऑफ फोटोन्स कितने भी बढ़ा दो, आपकी के ई मैक्स जो होगी कितनी होगी, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, मतलब वो आपकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपकी जो ग्राफ होगा आपका, एक तो के ई मैक्स और अगर हम इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक जो एनर्जी होगी आपकी वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये दो वेरिएशन हो गए, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करते हैं, आपके फ्रिक्वेंसी पे, इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी पे, और काइनेटिक एनर्जी आपकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं फोटो करंट के बारे में कि फोटो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, वो देख लेते हैं। देखिए फोटो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम बात करें फोटो करंट की आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो आई का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, आई इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टी इंटू ई, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आपकी मेटल सरफेस है, ठीक है, अब इस मेटल सरफेस पे मान लो इसकी जो कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी है मान लो न्यू नोट, किसके इक्वल है, वो है 5 किलोहर्ट्ज़ के, किसके इक्वल है, 5 किलोहर्ट्ज़ के। इस पे आपकी न्यू कोई फोटोन इंसिडेंट हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 3 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है, तो बताइए मुझे आप क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा बाहर, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कम है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा, तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब तक आपका सर्किट में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, मतलब आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब एक सर्टेन वैल्यू तक, सपोज करो यहाँ तक वो वैल्यू है, ये है आपकी न्यू नोट वैल्यू, ठीक है, वहाँ तक आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया, 3 से 4 किया, 4 से 4.9 किया, फिर 5 किया, और फिर 5.1 किया। जैसे मैंने 5 से 5.1 किया, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जैसे 5.1 किया, 3 से मैंने किया 5.1 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो एनर्जी है वो के ई मैक्स के इक्वल हो, तो ये एनोड तक पहुँचे और आपका करंट का फ्लो स्टार्ट करे। इसीलिए हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, क्योंकि बैटरी के सपोर्ट से भी ये क्या कर सकता है, आपका सर्किट में फ्लो कर सकता है। सपोज करो यहाँ बैटरी नहीं है,
तो क्या होगा, आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज होने पर भी, ज़्यादा होने पर भी, कुछ देर के लिए तो क्या होगा, आपका करंट फ्लो स्टार्ट होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आपने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, या फिर हमने क्या किया, बैटरी से इसको जोड़ा, तो आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, सपोज करो मैंने इसके ऊपर 100 फोटॉन्स इमिट किए, कितने 100 फोटॉन्स, ठीक है। अब एक मोमेंट पहले जब इसकी फ्रीक्वेंसी 5 से कम थी, तब तो आपकी जो करंट था वो क्या था, जीरो। लेकिन जैसे ही 5.1 हुई फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी चेंज हुई, वैसे ही आपके 100 फोटॉन्स इस पर इंसिडेंट होने लगे और 100 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलने लगे और 100 इलेक्ट्रॉन ही आपके सर्किट में फ्लो होने लगे। मतलब जैसे ही फ्रीक्वेंसी हल्की सी बढ़ी न्यू नोड से, आपकी जो आपका सर्किट था उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। मतलब सडन एकदम जैसे आपका न्यू नोड से वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हुई, आपके करंट की वैल्यू एकदम स्ट्रेट बढ़ गई, ठीक है। अब 100 फोटोन से गिर रहे, ठीक है, आपका करंट इतना ही रहेगा, ठीक है। ये आपकी इंटेंसिटी है, मतलब इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स, सपोज करो I1 है, ठीक है, मतलब 100 फोटोन से गिर रहे, मतलब उसकी इंटेंसिटी फिक्स है 100, ठीक है, I1। अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब 100 की जगह अब मैंने क्या किया, 200 फोटोन्स गिराए, कितने 200 फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। अब जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपके इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेंगे, 200 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो 200 इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो आपकी जो करंट है फिर से बढ़ेगा, ठीक है। और फिर 200 हमने फिक्स हो गए, 200 से हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया नहीं, तो जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और ये होगी आपकी I2, मान लो आपकी इंटेंसिटी। उसके बाद मान लो 300 फोटॉन्स में गिरा दूं, मतलब इंटेंसिटी I3 कर दूं, तो क्या होगा, आपका करंट फिर से बढ़ जाएगा, एक फिर वापस फिक्स इंटेंसिटी आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपका जो फोटो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनल कंक्लूजन यही है जो आपको ध्यान रखना है, कि आपका जो फोटो करंट है वो आप कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरा रहे हो किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे ही आप नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करोगे, मतलब आप इंटेंसिटी को चेंज करोगे, बढ़ाओगे, तो जैसे ही आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे आपका सर्किट में जो फ्लो होगा करंट का, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मूवमेंट होंगे, इसकी वजह से आपका करंट भी ज़्यादा होगा, तो I की वैल्यू क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हो गई बात कि फोटो करंट का इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। वो हमने पहले भी देख लिया था, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल और केवल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी के ऊपर नहीं, और फोटो करंट आपका इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, एक एक लाइन में आप इनका कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की से ही आगे से स्टार्ट किया था, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती थी वो देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इंटेंसिटी देखा, इंटेंसिटी के बाद हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद हमने फोटो करंट देखा और उन सब का वेरिएशन देखा, किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी, आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है इफेक्ट, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।